देश के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आ गए। इस बार के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से करारा झटका लगा है। बीजेपी लीडर और टीवी एक्ट्रेस रही स्मृति ईरानी इस सीट से चुनाव हार गई है। 1,67,196 वोटों के अंतर से उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी के.एल. शर्मा के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी है। स्मृति ईरानी इस हार के बाद हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। खुद स्मृति इससे काफी दुखी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिस पर तमाम बॉलीवुड सितारे कमेंट कर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहुत इसे फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाली अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने राजनीति में जोरदार एंट्री के साथ आगाज किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी किस्मत नहीं चमक पाई और वो अपनी संसदीय सीट अमेठी को गवा बैठी। इस हार के बाद स्मृति ईरानी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया जिसमें वह 10 साल की कड़ी मेहनत और आगे की प्लानिंग को लेकर जिक्र करती दिखी। इस पोस्ट हिंदी सिनेमा के सिलेबस ने उन्हें सपोर्ट किया। अभिनेत्री मोनी रॉय ने स्मृति के पोस्ट पर कमेंट कर लिखा, हम हमेशा आपके साथ हैं। दूसरी ओर एक्टर सोनू सूद ने भी हार्ट इमोजी के साथ उनके फेवर में अपनी बात रखी। इसके अलावा टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी ने भी लिखा है, कठिन परिश्रम का फल हमेशा मिलता है मैम, परेशान ना हो हम सब आपके साथ हैं। इस तरह से तमाम सितारे और फैंस स्मृति ईरानी को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने बड़ा उलटफेर करके सुर्खियां बटोरी। 2019 में स्मृति ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से धूल चढ़ाई, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी को खुद धूल चाटनी पड़ी और उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। फिलहाल इस खबर में